तो हमारा जो टॉपिक था वाटर का रह गया था हमारे जल के बारे में। भैया तुम लेट लतीफों वालों जल्दी आ जाया करो प्लीज। एंट्री हो गई इनकी। अच्छा चलो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अब अपने जल के बारे में। जल बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का एक प्रमुख घटक है। लगभग हमारे शरीर में कितना उसका प्रतिशत होता है? 55 से 70%। लेकिन अगर एक उसमें कहेंगे 65% तक हमारे शरीर के वजन के हिसाब से अनुपात जो हमारे शरीर के अंदर इतना पानी होता है। अगर कोई जो है 50 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसके अंदर शरीर में लगभग 31 किलो तक का जल होगा। ठीक है, इतना हमारे शरीर में जो है। तो हमारा अप्रोक्सीमेट हम अबाउट जो है 65% तक हम उसको मान के चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही पानी की प्रतिशत जो है कम भी होता रहता है। और हम खाने के बिना तक कितने दिनों तक रह सकते हैं बताइए? अगर आप खाना नहीं खाते हैं जी तो 100 100 दिन कहते हैं, है ना? 100 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन पानी के बिना कितने दिन तक रह सकते हो? दो से तीन हाँ, 2 से 3 या 4 से 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद आप नहीं रह सकते हो। और सांसों के बिना क्षण भी नहीं। क्षण भी नहीं। यस बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए। तो पानी का भी बहुत ही जो है जरूरी है। और बच्चों में जो है उसको ज्यादा होता है, वयस्क में कम है। और बूढ़ा जब बुढ़ापा आ जाता है तो धीरे धीरे उनकी कम होती है। और दुबले लोगों की तुलना में मोटे व्यक्तियों के पानी की मात्रा भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वसा फैट वगैरह ज्यादा हो जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद पानी एक आवश्यक पोषक तत्व है, जैसे कि अभी मैंने बताया है ना कि सांस के बिना तो कुछ क्षण भी नहीं। और पानी के बिना भी हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 निकाल देंगे और उसके बाद हम जीवित नहीं रह सकते हैं। क्यों? पानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो भी उसी के द्वारा ही होता है। और हमारे पूरे जो जितने भी फ्लूइड्स हैं है ना, ऑब्वियसली उसमें पानी ही प्रेजेंट होता है। बिना उनकी वजह से जो है काम ही नहीं होगा, सेल ही नहीं बनेगा। एक इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, सब कुछ सब जगह ही चाहिए। हमारे ब्लड में चाहिए, हमारी हड्डियों में चाहिए, लिवर में, जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, सब में पानी चाहिए ही हमारे चाहिए। जैसे हमने जब ब्लड के बारे में पढ़ा था, हमारा जो प्लाज्मा था कितना था हमारा उसमें ब्लड के अंदर, यहाँ पे 90% लिखा है। हाँ, सेल से और प्लाज्मा था ना, तो वहां पर 90 तो नहीं हम कहेंगे, वहां पे 55% था। तो उसके बिना हमारे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन ही नहीं रहेगा। हमारी मसल्स में भी जो उसके जो हमारे टिश्यूज है उसमें भी हमारा जो है पानी बहुत ज्यादा चाहिए। और वसा भी बनता है पानी से ही। तो हमारा मतलब जितने भी हम पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? बेसिकली पानी की पूर्ति हमारे काफी सोर्सेज होते हैं। तो कार्य क्या है कि हमारे हर सेल का, हमारे हर टिश्यू का, हमारे हर ऑर्गन का निर्माण जो है पानी से ही होता है। पानी वहां पे बहुत ही आवश्यक तत्व है। तो बिना पानी के हमारी बॉडी की मतलब ग्रोथ ही नहीं होगी, उनको हमारा फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है ना? और दूसरा क्या है, हर चीज उसमें घुल जाती है ऑलमोस्ट। जैसे कल हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में, है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स थे हमारे, फैट सॉल्युबल थे। तो पानी में यूजुअली सब कुछ जो है उसको अपने अंदर घोलने की क्षमता होती है। इससे एक हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं कि वो अपने अंदर उनको
उसमें घुल जाता है और ट्रांसपोर्ट भी करता ही है, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए भी मदद करता है। जैसे ब्लड के अंदर हमारा जो प्लाज्मा था है ना, उसमें भी क्या प्लाज्मा में ही हमारे सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते थे, तो जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाते थे। हमारे इम्यून, हमारा जो लिम्फ की, अभी हमने इम्यूनिटी सिस्टम नहीं पढ़ा, पढ़ोगे। आज हमने बात करी थी जब किडनी के बारे में, एनाटॉमी में फिल्ट्रेशन हुआ था, तो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन के माध्यम से ही बाहर गई थी ना, कौन सा मेन इम्पोर्टेंट था जो हमारा यूरिन में बनता है? पानी था है ना। पानी के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे थे यूरिया, बाहर जाना चाहिए शरीर से। यूरिया रह जाता है तो हमारे शरीर में, नहीं तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो हमें जोड़ों की दिक्कत होती है ना। तो पानी की वजह से ही वो सब जो हमारे लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो बाहर ले जाता है। तो हर जगह पे हमें जो पानी है हमारा काम करता है, तो यूरिन वहां पे 97% पानी ही होता है, ठीक है ना, जो कि हमने अभी क्लास में पढ़ा था। और जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी में, जितने भी हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस होता है, जो कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स जब टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हमने जब आप आगे पहले क्लासेस में पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, कि वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको सिंपल फॉर्म में जब तोड़ते हैं, तो वहां पे भी पानी की जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसी की उपस्थिति में ही ये सब काम होता है। तो पानी मूवमेंट को भी करता है, लुब्रिकेशन को भी करता है ना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। भाई जैसे अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो क्या होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है ना, हमारी बाहर की त्वचा को वो मेंटेन करता है। और फेफड़ों से भी हमारा जो है, हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो हमारे वहां पर भी जो वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, तो ये हमारा बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अगर मतलब हम जितना कैलोरी हमें एनर्जी जो होती है, उसी के साथ ही लगभग हमें 1 मिलीलीटर पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें डेली का हमारा कितना रिक्वायरमेंट होता है, 2000 मिलीलीटर है ना, और प्रेग्नेंट लेडीज में ज्यादा था, 2600 था है ना, याद होगा। तो इतनी ही कितनी हमें ऊर्जा का सेवन जो हमारा है, तो पानी हमें भी उतना ही मिलीलीटर चाहिए। तो मतलब 2 लीटर हमें, या 2000 मिलीलीटर हम कहेंगे, अगर 2000 किलो कैलोरीज अगर हमें उसकी जरूरत है। तो पानी की मात्रा कई कारकों पर निर्भर करती है कि भाई, एक तो सबका, मैंने दिन में भी बाल अभी हम बात कर रहे थे किडनी के बारे में, तो पानी कितना पीना चाहिए, मैंने यही बात कही थी कि सबका अपना एक एज ग्रुप का फैक्टर पड़ता है। जैसे बच्चों को ज्यादा चाहिए, बुजुर्गों को कम चाहिए, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस मौसम में रहते हो, आप क्या खा रहे हो, ठीक है ना, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब चीजें जो होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपका इंटेक कितना होना चाहिए। तो लगभग लगभग औसतन यहाँ पर जो बताया है कि भोजन में तो आपका पानी भी प्राप्त होता है, क्योंकि कहाँ से प्राप्त होता है, जो भी हम फल और सब्जियां खाते हैं उसके अलावा हम 1.5 से 2 लीटर तक हमें पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। अब आप ये देख लीजिए है ना, दिन में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे तो उसी बात पे यहाँ पर आ गया है कि लगभग लगभग, लेकिन ये भी कई जो बाकी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है कि किसी का क्या लाइफस्टाइल है। जैसे कोई खिलाड़ी है, एथलीट है, फुटबॉल हॉकी जो भी खेल करता है, तो उनके शरीर के अंदर जो है पानी पसीने के रूप में ज्यादा निकलता है, यूरिन के उसमें भी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ये उनमें कमी आती है, तो उसको पूरा करने के लिए उनको प्यास ज्यादा लगती है। दूसरे जैसे हम लोग हैं, और हमारी जो है आम तौर पर दिनचर्या की, उठे अपना ऑफिस गए, बैठे हुए ही काम करे, तो हमें इतनी ज्यादा नहीं होती। तो वो जैसा आप कार्य करते हो, तो उसके हिसाब से भी हमारा बॉडी की इनटेक होता है, ठीक है। तो हमें पानी के साथ साथ हमारे को हमारे फल सब्जियों से तो भी हमें मिल ही जाता है, और पानी जो है यूरिन के अलावा हमारे पसीने में, हमारी सांस के माध्यम से भी जो है हमारा, और हमारा जो स्टूल उसमें भी हमारा जो है, ये सब चीजें होती हैं, हमारा जो बाहर निकलता है, लॉस्ट होता है, ठीक है ना। और यूटिलिटी जो इसका अच्छा समस्या है, निर्जलीकरण, अगर मतलब अगर आप पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जब पानी एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन, हिंदी में निर्जलीकरण। तो डिहाइड्रेशन इज वेरी बहुत
गंभीर प्रॉब्लम है ये, तो इसमें तुरंत उनको चिकित्सा देनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे अगर उल्टी या दस्त लगते हैं तो यूजली हमारे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और हमारे ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म पे, हमारे बॉडी के एनर्जी के ऊपर, सब चीजों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो उनको तुरंत जो है दिया जाता है कि वाटर इनटेक कैसा दिया जाए, है ना, नींबू है, शरबत है, ORS, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिले, है ना, पानी तो दिया ही जाता ही है, और जिससे कि हमारी जो भरपाई हो सके, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स भी, क्योंकि वो फिर अंदर के प्रेशर को, जो हमारा प्रेशर होता है ना लिक्विड के अंदर, जो कि मेंटेन करके रखते हैं, तो वो भी बैलेंस में बना रहे। उल्टी होने से भी जो है प्रॉब्लम होती है, जो ज्यादा उसमें पानी का नुकसान होता है, ज्यादा खेल कूद से, बुखार में भी जैसे बहुत पसीना आता है, तो उसमें भी हमें पानी जो है उचित मात्रा में अपने जैसे भी शरीर की उस समय की जरूरत होती है पीते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो, ठीक है ना। और जो है उससे क्या होता है, हमारे बेसिकली मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सभी सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट होगा, तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा का भी अगर करते हैं, तो क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर वो पानी भरना शुरू हो जाएगा, अगर प्रेशर जैसे भी वो मेंटेन नहीं होता, तो क्या होगा, सूजन आ जाएगी, है ना। अगर किडनी में जो है सोडियम ज्यादा बाहर की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आ, 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 सोडियम शरीर के अंदर ज्यादा रहेगा, तो है ना, अगर वो यूरिन में सोडियम ज्यादा नहीं निकलेगा, शरीर के अंदर सोडियम ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा, उससे हमारे जो है पानी ज्यादा रहेगा शरीर में, उसके ज्यादा रहने से भी क्या होगा, हमें जो है सूजन आ जाएगी, इडिमा नाम की प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद उसमें ब्लड प्रेशर के ऊपर भी, एक्चुअली अगर शरीर के अंदर सोडियम ज्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और अगर हमारे उसमें जो प्रोटीन वगैरह का जो है ज्यादा अच्छे से उसका भी हमारा एक्सक्रीशन में नहीं होगा, तो वो हमारे को जो है प्रॉब्लम करेगा, और हमें जो प्रॉब्लम करेगा सूजन, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं, उसमें फिर धीरे 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 हमारे को और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जो कि हमारे बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट को करते हैं। तो ना कमी और ना ही ज्यादा, तो बैलेंस हमेशा ही रहना चाहिए, तो वो हमारे शरीर की बाकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही बेटर है। तो कमी आएगी तो डिहाइड्रेशन, और ज्यादा होगा तो इडिमा, ये हमारे जो है पानी की वजह से होते हैं, और पानी हम जो है उचित मात्रा में हमेशा अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हम लेते रहेंगे। ओके, अब है उसके बाद हमारा फाइबर, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ये एज सच हमारे जो है एक न्यूट्रिएंट में हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है हमारे खाने में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ये भी बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या काम है इसका, हम देखते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर्स जो होते हैं ये हमें यूजुअली हमें पौधों से ही प्राप्त होता है, पौधों के अंदर जो हमारे सेल्यूलोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारा शरीर सेल्यूलोज को, आप सभी को पता है, पचा नहीं पाते हैं, है ना, हमारा शरीर ऐसा नहीं बना कि हम उन चीजों को पचा पाए, तो ये लेकिन हमारे शरीर में फिर भी कुछ मात्रा में जरूर होने चाहिए, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन थे, फैट से, हमने उनको सबको जो है डाइजेस्ट कर लिया था, उनको छोटे छोटे घुलनशील जो उनके अवशेष बचे थे उसमें कन्वर्ट कर दिया था, ताकि हम करें, लेकिन फाइबर हमारा शरीर नहीं पचाता है, वो हमारे शरीर में जस का तस ही निकल जाता है, परंतु उसका फिर भी बहुत है, फिर भी हमारे फाइबर दो तरह के होते हैं, कुछ घुल भी जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज के लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो वो कौन से घुलनशील फाइबर्स होते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो हमें, मिलते हैं ओट्स में से, मटर में से, बीन्स हैं, एप्पल, सेब में से, जो खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें जो वो फाइबर्स होते हैं, जैसे आप संतरा खाती होगी आपने, मतलब उसका है, या सेब वो खाते हैं, तो
वो घुलनशील वाले होते हैं, गाजर है, जौ है ना, साइलियम, ये इनके अंदर जो है घुलनशील फाइबर्स पाए जाते हैं। एक कुछ ज्यादातर होते हैं जो घुलते नहीं है, ठीक है। वो घुलने का क्या करता है, जब वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो वो हमारी आंतों का जो मूवमेंट है उसको बढ़ावा देते हैं। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट जो था ना, हमने जब पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे शरीर में जो मल, जो पुराना मल जमा हुआ है, जो गंदगी जमी हुई है, उसको हटाने में ये मदद करते हैं। आप एक तरह से समझ के चलो कि हमारे घरों में हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू क्या होती है, वो सींक वाली, उसके अंदर जिस तरह के वो भी क्या होते हैं, वो भी फाइबर्स ही होते हैं एक तरह से। ऐसे ही फाइबर्स हमारे शरीर में चाहिए, हमारी आंतों की सफाई के लिए चाहिए। अब भैया शरीर के अंदर तो कोई झाड़ू लेकर तो घुसेगा नहीं कि चलो जी गंदगी को कर दें, तो यह है ही काम वो जो घर के झाड़ू टाइप के जो फाइबर होते हैं, जो हमें खाने से प्राप्त होते हैं, सब्जियों से प्राप्त होते हैं, फलों से प्राप्त होते हैं, वो हमारे शरीर के आंतों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, पुराने मल को दूर करते हैं, जिससे कि हमारा जो कब्ज जो होता है दूर हो जाता है। तो इसीलिए हमें साबुत अनाज खाने के लिए ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब हम उस गेहूं को छान लेते हैं तो वो जो चोकर, एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही फाइबर से भरपूर है, और वो ही हमारे शरीर में जो है हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। परंतु हम जो आटा छान छान के उसको दूर कर देते हैं और फिर वो हमारे को कब्जी करने में दिक्कत करता है। तो रेशा जो है या फाइबर जो है ये हमारे को बहुत जरूरी है, जो कि हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम फलों की भी बात करते हैं तो हम उनको जो भी फल अपने छिलकों के साथ खाए जा सकते हैं, हम हमें यही कहा जाता है कि उनको जो छिलका खाने योग्य होता है उनके साथ ही खा लेना चाहिए। अगर छिलका आप उतारते हो तो आपके शरीर में फाइबर कम जा रहे हैं। कुछ लोग जूस के ऊपर कहते हैं फल है जूस पी लो, लेकिन जूस में आपके, आप देखोगे आपका कितना रेशा जो है वो जाली में ही रह जाता है। जूस तो जरूर आता है परंतु वो रेशा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जूस के वनस्पत आप फल खाइए, मौसम्बी का जूस पीते हैं इससे बशर्ते आप उस मौसम्बी को चूसिए, आप देखोगे कितने जो है उसके अंदर है, संतरा है, सेब है, सभी मतलब बहुत ऐसी सब्जियां हैं और फल हैं और सब्जियां भी हैं, सब्जियों में भी बहुत सारी सब्जियां हैं। ब्रोकली में बहुत कहा जाता है कि जैसे है ना, बाकी बीन्स हैं, मेवे हैं, फूल गोभी है, हरी बीन्स हैं, आलू है, इनमें लेकिन अघुलनशील फाइबर्स होते हैं और ये भी हमारे बहुत जरूरी होते हैं। तो एक अच्छी फाइबर डाइट, उससे क्या होता है कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन जो है दूर होता है, हमारी जो इंटेस्टाइन, जो गट हेल्थ जिसको हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, गट हेल्थ मतलब हमारी जो आंतों की जो उनका जो स्वास्थ्य है उसके लिए हमारे लिए रेशा बहुत ही जरूरी होता है। और जैसे कि हमने देखा था घुलनशील वाले हमारे रक्त में जाकर कोलेस्ट्रॉल के भी लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को भी स्तर को कम करता है वो। हमें बीन्स, जई, अलसी है ना, आजकल अलसी ये सब हम बहुत सुनते हैं कि अलसी के बीज खाइए, ओमेगा करके भी इसमें होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। चोकर जो जई है, ये सब हमारे जो है इनके अंदर जो है लिपोप्रोटीन जो होते हैं, जो कि हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को, जो जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं और मदद करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो ना एक्यूमुलेट हो और हमें जो है हार्ट की या हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को है ना उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का जो है ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में जो है ये हमारे फाइबर्स मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर जो होती है उसको कंट्रोल करने में भी इनका जो है बहुत ही रोल होता है, टाइप 2 स्पेशली जो हमारा होता है। और हमारे को पेट साफ कहते हैं तो सब हम कितने खुश रहते हैं, तो हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य भी जो प्राप्त होता है, मन से भी आप खुश रहते हो। अगर किसी को कब्जी रहती है जिसका रोज पेट साफ नहीं होता, वो कितना दिन भर बड़ा मतलब अनइजी सा फील होता है, बुझा बुझा सा रहेगा। तो एक अच्छे जो हम लोगों को हैप्पी फीलिंग वाली जो बात होती है वो हमें फाइबर से ही मिलती है।
तो फाइबर हमारे डाइट में कितना चला जाना चाहिए? अगर 50 साल से या उससे आपकी उम्र जो उससे कम है तो आपको पुरुषों में 38 ग्राम्स का, और अगर हमारा 51 से ऊपर है, मतलब 50 से ऊपर है, तो 30 ग्राम उस, तो वो हमें उसमें 30 ग्राम के तकरीबन जो है हमें चाहिए होता है फाइबर, ठीक है ना। औरतों में 25 ग्राम अगर 50 साल से कम है, और जैसे बढ़ती उम्र में थोड़ा सा कम चाहिए होता है क्योंकि थोड़ा सा हमारे सिस्टम्स के काम थोड़ा सा स्लो की तरफ हो जाते हैं, और कोई वो 21 ग्राम हमें 51 से ऊपर की उसमें चाहिए होता है। कहाँ से मिलता है? साबुत अनाज से, जैसे हमने बात करता हमें फलों से, सब्जियों से, सब्जियों में बीन्स है, मटर है, फलियां हैं, ये सारे हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात कर ली, पानी के बारे में भी बात कर ली, फाइबर के बारे में बात कर ली। अब हम एक और टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो एक ये होता है कि हमारा शरीर का जो वजन है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, हाइट और वेट का अनुपात, मतलब मेरा जो उम्र के हिसाब से भी, तो क्या मेरा मेरी हाइट या मेरा वजन ठीक है, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन ठीक है। तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, BMI, दैट इज अ बॉडी मास इंडेक्स। इट इज अ नंबर दैट शोज बॉडी वेट एडजस्टेड फॉर द हाइट, कि भाई हम हाइट को तो देखो हम नहीं कम ज्यादा कर सकते हैं, वजन को हमें मेंटेन करना होता है, तो हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली हमारा वजन कितना होना चाहिए, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, और या हम हाइट और वेट निकाल के हमें पता चल जाता है कि क्या हम बिल्कुल नॉर्मल उसमें हैं, या मेरा कोई अनुपात अगर बिगड़ा हुआ है तो मैं उसको ठीक करूं, कि मैं मोटापे की तरफ तो नहीं हूँ या अंडर नरिश तो नहीं हूँ, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो अलग इसमें उम्र का भी होता है और जेंडर का भी रोल प्ले करता है, जैसे कि फीमेल्स में थोड़ा सा फैट कंपैरेटिवली पुरुषों के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और जो बड़े लोग होते हैं वो उनमें भी जो है थोड़ा सा ज्यादा उनका फैट हो सकता है यंग के मुकाबले, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ, अब वो ठीक है कि नहीं तो वो नापते हैं हम BMI के द्वारा। एक ये टूल है, स्क्रीनिंग टूल है, जिससे कि हमें पता चलता है कि मेरा वजन बड़ा तो नहीं हुआ, कम तो नहीं है, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें अब अलग अलग काम के हिसाब से, अलग अलग सबके हिसाब से जो है, बट इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, मतलब ये आपका कोई ऐसा बीमारी के उससे नहीं है, ये बस हम अपने आप को ये जांचने के लिए कि हाँ मेरा ठीक है कि नहीं, इससे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कोई बीमारी हुई है कि नहीं हुई है, ये कोई बीमारी का पता नहीं करता, लेकिन एक सरसरी तौर पर हमारे शरीर के बारे में हमें बता देता है कि हम बिल्कुल सही अनुपात पे हैं कि नहीं। तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए इसका ये फॉर्मूला है, क्या है, वेट को हम ऊपर लिखते हैं, वजन को हम लिखते हैं, और वजन हम नापते हैं यहाँ पर किलोग्राम में, ठीक है। मतलब जैसे बाहर के देशों में वहां पर LB मतलब पाउंड ये सब आ जाता है कई बारी, लेकिन यहाँ पर हम वजन को किस में लेंगे, हम किलोग्राम में लेंगे, हम भारतवर्ष में खैर किलोग्राम में ही देखते हैं, और उसको फिर हमें भाग करना है, उसको डिवाइड करना है किससे, हाइट स्क्वेयर, हाइट स्क्वेयर है यहाँ पर, ये ध्यान देना, जो आपका हाइट आएगी उसको हमें इन स्क्वेयर में करना है, मतलब डबल उसमें वो होगा, मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको, और ये आएगी हमारी मीटर में, किस में आएगी, मीटर में, इंच में नहीं आएगी या फुट में नहीं आएगी, हम यूजुअली कहते हैं ना 5 फुट का है, 6 फुट का है, वो फुट वाला सिस्टम हो गया, तो लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना इसके हमारे यूनिट्स के बारे में कि वो मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो BMI से क्या पता चलता है कि मेरा वजन कैसा है कैसा नहीं है, अगर बहुत ज्यादा अनुपात बिगड़ा हुआ होगा तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरी जो है मैं रिस्क फैक्टर अगर जो मेरी लाइफ में है तो मुझे होने के कुछ बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं उनको फिर कम करने का प्रयास करूंगी, अपने वजन को नियंत्रण करने का प्रयास करूंगी ताकि मैं उन बीमारियों से बची रहूं। तो ओवरवेट अगर जिनका आता है तो
या वजन, जैसे ओवरवेट और ओबेसिटी, ठीक है, ओवरवेट वजन बढ़ा हुआ और मोटापा, ये दोनों अलग हम कैटेगरी में डालते हैं। तो मोटापा, ओबेसिटी और ओवरवेट, ये दोनों अलग अलग, मतलब उनका रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है दोनों में ही, लेकिन क्या चांसेस होते हैं कि अगर वो फीमेल है, प्रेगनेंसी होती है, तो उनका जो प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है उनके बच्चे की, उसका असर आता है। उनको खुद को जो है दिल का रोग हो सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। डायबिटीज तो खैर है ही, क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ तो उसमें फर्क पड़ता है। तो ये चार्ट है, इसको देख के जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका उससे पता चलता है कि मैं अंडर वेट हूं या मैं नॉर्मल हूं या मैं कैसी हूं। तो अगर नॉर्मल, अगर किसी का कैलकुलेट करने के बाद पहले वेट को फिर नीचे हाइट को स्क्वायर में करते हैं, तो अगर वो 18.5 से लेके 24.9 के बीच में आती है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसके शरीर का अनुपात सही है, उसका वजन उसके हाइट के अनुसार बिल्कुल सही है। परंतु अगर यही 18.5 से कम है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि उसका वजन कम है, उसके हिसाब से अंडरवेट में आएगा, ठीक है। अगर उसका वजन, उसका जो कैलकुलेशन है 25 से लेकर 29.9 के बीच में आती है, तो वो ओवरवेट है, मतलब उसका वजन बढ़ा हुआ है। पर अगर वो 30 से ऊपर में आ जाती है, तो मोटापे के अंदर आएगी, और मोटापे की तीन कैटेगरीज आ जाती है, 1, 2, 3 में। तो उनके हिसाब से 30 से लेके 34.9 है तो क्लास 1 में है, 35 से लेके 39.9 है तो 2 है, और 40 से ऊपर हो गया तो 3 है। तो मोटापे के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जो कि ये WHO से रिकमेंडेड है। और लेवल 3 वाला, जिसका ओबेसिटी हाई हो उसमें होता है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको बहुत हाई प्रॉब्लम्स होने के लिए चांसेस हो जाते हैं। अब एक है BMR, ये हमारा था BMI, BMI बॉडी मास इंडेक्स। अब है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बेसल, सॉरी बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR इसे बोलते हैं। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय जो हमारे शरीर के अंदर काम होता है उससे रिलेटेड है। तो इससे, इसमें हम जानने के लिए पहले हम देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, हम हमारे शरीर में ऊर्जा है, किसी को काम, कोई काम करने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, है ना, मैं तभी काम कर पाऊंगी। तो मैं कोई काम करती हूँ तो मेरा शरीर जो है एक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो वो जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, तो मेरे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन जो करती है, वो हम उसको कहेंगे BMR, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। कि जैसे आपका ठंड आएगी और उसके हिसाब से मेरे बॉडी का टेम्परेचर सेट करेंगे, या मैं जितना काम ऐसा करती हूँ, तो वो मेरे शरीर में उस हिसाब से ऊर्जा जो मेरे एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, मेरे बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो होती है, वो कहलाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब बेस है जो भी मेरे एनर्जी जो चाहिए होती है मेरे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, डेट इज अ BMR, ठीक है ना। जो कि मैं काम करती हूँ, मेरा खाना जो भी, पाचन में, मेरे हृदय को काम करने के लिए। तो एनर्जी को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? कैलोरी। और हम कैलोरीज में करते हैं, लेकिन हमारा जो SI यूनिट होता है, जिसको हम सबका एक अपना SI यूनिट बना होता है, तो इसका है किलो कैलोरी। एनर्जी को हम हमेशा किलो कैलोरी में ही उसको काउंट करते हैं, जब भी उसको हम नापेंगे तो किलो कैलोरी में ही उसको हम देखेंगे। तो जो भी यहाँ पर है, किलो कैलोरी में जो एनर्जी हमें खाने पीने से मिलती है, हमारे शरीर को जो काम यूटिलाइजेशन में जरूरत होती है, तो उसको यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फूड एनर्जी इज अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द फूड एंड दैट इज अवेलेबल थ्रू डाइजेशन, है ना। आपको पता ही है, ये हमने अभी तक जितने भी सिस्टम्स पढ़ लिए थे, अगर आप एनाटॉमी की क्लासेस कर रहे हो,
साथ साथ तो आपको पता ही है कि पाचन क्रिया में क्या होता है कि जो भी खाने पीने से हमारे को जो भी वो खाना है ऊर्जा में कन्वर्ट होने के लिए उसको तैयार किया जाता है, तो ताकि वो हमारे हम वो ऊर्जा हमारे शरीर में बाकी कामों में यूज हो सके। तो किलो कैलोरीज हमारे कहाँ, ये एनर्जी फिर कहाँ से हमें एक तरह से मिलती है, हमारे खाने पीने से, है ना, वहां से हमें मिलती है। तो एक बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है, इट्स वो हम लैबोरेटरीज में यूज करते हैं कि भाई उसे पता चल जाए कि जिस किस खाने पीने से हमें कितनी जो है ऊर्जा जो है मिल सकती है। बाकी हमारा शारीरिक काम क्या है उसके उसको भी हम जो है उसके हिसाब से फर्क पड़ता है कि कोई बहुत ज्यादा काम करता है या कम करता है, वो अलग अलग एज और काम के उस पे पड़ता है। तो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें, अगर 1 ग्राम हमारा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है तो वो 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी देता है, और फैट हमें ज्यादा देता है, कितना देता है, 9 कैलोरी, नहीं ठीक है ना, 1 1 ग्राम अगर जो होते हैं। तो हमारे शरीर में हमेशा बैलेंस रहना चाहिए ना। देखो ऊर्जा अगर हमें खर्च करने के लिए चाहिए तो बननी भी रहनी चाहिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, ये पड़ला ऊपर या नीचे होगा कि बन ज्यादा रही है खर्च कम कर रहे हैं, या खर्च ज्यादा हो रही है बन कम रही है, तो क्या होगा, इसका प्रभाव हमारे कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर अंदर हमारे ऑर्गेन्स पे पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, तो इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर जितनी बन रही है खर्च उतनी हो रही है, ये बिल्कुल सही अनुपात है, एंड दिस इज द एनर्जी बैलेंस बेसिकली। तो ये हमारा शरीर, तब हमारा बिल्कुल हमारा अनुपात शरीर का सही रहेगा, जो BMI है वो भी हमारा सही रहेगा। लेकिन यहाँ जहाँ गड़बड़ होती है वहां पे हमारा BMR जो बिगड़ जाएगा, हमारा BMI भी ऑब्वियसली होगा। तो अगर जितनी एनर्जी बनी उतनी निकली हो तो हमारा बॉडी वेट जो है स्टेबल रहेगा। अगर एनर्जी तो भैया इतनी बन रही है, 4 किलो कैलोरी बन तो बहुत रही है, बेचारे हमारे सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर भैया कौन काम करे यार, चलो कोई नहीं, दिवाली की सफाइयां करनी है, कोई बात नहीं, बैठे हैं कर लेंगे, एनर्जी तो बन रही है, क्या होगा, वो ऊर्जा इतनी इकट्ठी होती जाएगी होती जाएगी, आप तो निकाल नहीं रहे हो, तो क्या होगा, वजन नहीं बढ़ेगा, है ना। उसके बाद अगर ऊर्जा कम बन रही है, बेचारा मजदूर आदमी देखो, खाने को बेचारों को क्या मिलता है, सारा दिन ईंटें ढोना यहाँ से और वहां से, इतना मेहनत हमें लगता है ना फिर देखो, लेकिन उनको कोई मोटा मजदूर देखा है, या जो पहले, आजकल तो बैटरी रिक्शा चल पड़े हैं, जो पहले हाथ से जो रिक्शा पैंडल से जो रिक्शा चलते थे, तो उसमें आपने देखा कभी किसी रिक्शे वाले की तोंद निकली हुई, वो मेहनत करता था दिन भर, उसकी ऊर्जा उसको ज्यादा चाहिए, है ना। खाने को क्या मिलता था, थोड़ा बहुत कहीं मिल गया, चाय बिस्किट खा लिए, चलो जी हो अपना, 2 4 रोटी खा ली, जैसे हमें जो इतने सारे स्रोत होते हैं इतनी ज्यादा है, तो वहां पे भी सही अनुपात नहीं है, तो वो भी उनके जो है वजन कम होने के जो है और उनके हाइट के हिसाब से उतना वजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी का बैलेंस होना जरूरी है एक सही बॉडी के अनुपात के लिए। तो बेसल मेटाबॉलिक जो है बेसिकली नंबर ऑफ कैलोरीज हम कितनी यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, मेरे बॉडी का सिस्टम अंदर जो कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक होता है इसको हम कॉमनली बोलेंगे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, है ना, जब हम आराम से कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर रहे, नॉर्मल दिनचर्या कर रहे हैं, है ना, अभी भी हम ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हमारा होता है हम रेस्टिंग, उसमें भी कहते हैं कि अगर हम बेड पे भी सारा दिन पड़े रहेंगे तब भी हमें कुछ कैलोरीज चाहिए होती है, तो वो हम कहेंगे उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। और जनरल बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हमारे अंदर की इंटरनल ऑर्गेन्स और उनकी क्षमता के ऊपर भी फर्क पड़ता है, जब कई बार हम बहुत ज्यादा एक्सटर्नल वर्क भी करने लग जाते हैं, तो ये हमारा बढ़ सकता है अगर हम एकदम से कुछ ज्यादा मेहनत वाला काम करने लगे, तो एक्सरसाइज का इफेक्ट जरूर पड़ता है हमारे BMR पे। तो जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उनका BMR बहुत जो है हाई रहता है, क्योंकि वो उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज करते रहते जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है।
तो अब यहाँ पर है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए इसी बीएमआर बीएमआर हम बोलते रहते हैं ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, इसमें हमारा थायराइड हार्मोन जो है वो उसका बड़ा रोल है। हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा था कि वो हमारे कौन से हार्मोन बनाता है, T3 T4 हमने पढ़ा था, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में जो है मदद करता है कि वो हमारे ठीक से काम करे। तो थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, तो हमारा बीएमआर बढ़ता है। और अगर कहीं ये हार्मोन अगर वो ज्यादा होगा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, तो हमारा बीएमआर ज्यादा हो जाएगा, है ना, और अगर ये कम होगा तो हमारा बीएमआर कम हो जाएगा। तो ऐसे ही उससे क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी फर्क पड़ता है। आप देखोगे कि जो ज्यादा मेहनत वाला काम करेंगे तो वो थोड़ा सा उनका शरीर गर्म रहेगा, जो बाकी वैसे रहेंगे उनका ठंडा भी रहेगा। तो ये भी चीजें हमारे प्रभावित करती हैं हमारे बीएमआर को, हमारे हार्मोन्स, जिनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पेशली थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जब हमने पढ़ा था, और बॉडी टेम्परेचर के भी इफेक्ट आता है, और मेल्स में भी फर्क पड़ता है, मेल और फीमेल्स में, जेंडर पे। तो क्योंकि हमारे जो है जो मेल्स में का यूजुअली थोड़ा सा हाई मेटाबॉलिज्म ही होता है, हायर बेसल मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा कंपैरेटिवली फीमेल ज्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो थोड़ा सा ज्यादा मतलब एग्रेसिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको काम करने को से ज्यादा प्रेरित जो करता है, एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ ज्यादा। और एज का भी है, एज जैसे जैसे उम्र कम होती है, एफिशिएंसी जो होती है सेल्स की कम हो जाती है, धीरे धीरे काम करते हैं, तो वहां पर भी हमारा बीएमआर जो है स्लो हो जाता है। सरफेस एरिया के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी बॉडी ने कितना जो है एरिया एक्चुअली घेर रखा है। ये अगर कोई टॉल है ना, लंबा आदमी है, तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर किसी नाटे आदमी के मुकाबले में। और उसमें हमारे जो है सरफेस एरिया से क्या मतलब यहाँ पर है कि मोर हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी विच कॉसेस मेटाबॉलिज्म टू स्पीड अप, क्योंकि ज्यादा एरिया है तो ज्यादा उसका काम भी ज्यादा बढ़ेगा, तो उसको मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर और उसका नॉर्मल वो मेंटेन करे। स्ट्रेस सिचुएशन ऐसी है या बीमारी में ऑब्वियसली हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय की सिचुएशन को डील करने के लिए तो हमारा मेटाबॉलिज्म उस समय थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है और हार्मोन्स एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, तो वहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म का जो ये है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर भूखे रहते हैं तो हमारे को क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल रही है, अगर आप 48 घंटे से ज्यादा की भूखे रहते हो तो हमारा बीएमआर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा इतनी बन नहीं रही है, तो वो हमारा वहां पर बैलेंस जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ओके, तो ये हमारे डाइट का आज पूरा कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक हमारा रह गया था तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी किसी का कोई प्रश्न रहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस यू मे आस्क।